कियामर बादशाह डैम की 13 साइट्स पर बरवकत काम जारी। आइंदा हफ्ते दरिया का रुख मुकम्मल तौर पर मोड़ दिया जाएगा। चेयरमैन वापडा इंजीनियर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सज्जात गनी ने कियामर बादशाह डैम प्रोजेक्ट का दौरा किया और डैम साइट पर डाइवर्जन सिस्टम का मुशाहिदा किया। गुज़िश्ता हफ्ते कियामर बादशाह डैम साइट पर दरियाई सिंध का रुख जज़्वी तौर पर मोड़ने के बाद डाइवर्जन सिस्टम आजमाइशी तौर पर ऑपरेशनल। कियामर बादशाह डैम का डाइवर्जन सिस्टम तकरीबन 1 किलोमीटर तवील डाइवर्जन टनल, 857 मीटर तवील डाइवर्जन कैनाल और 2 कोफर डैम्स पर मुश्तमिल है, जिनमें से 1 मेन डैम साइट की बालाई जानिब और दूसरा जेरे जानिब तामीर किया गया है। वापडा ने गुज़िश्ता हफ्ते कियामर बादशाह डैम साइट पर कामयाबी के साथ दरियाए सिंध का रुख जज़्वी तौर पर मोड़ दिया था। इस वक्त दरियाए सिंध के पानी का बेशतर हिस्सा डाइवर्जन टनल और डाइवर्जन कैनाल जबकि कुछ हिस्सा अपने कुदरती रास्ते से गुजर रहा है। चेयरमैन वापडा ने अपने दौरे में कियामर बादशाह डैम प्रोजेक्ट की मुख्तलिफ साइट्स पर तामीराती काम का जायजा भी लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कियामर बादशाह डैम, जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट डायरेक्टर कियामर बादशाह डैम, कंट्रैक्टर्स और कंसल्टेंट्स के नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद थे। चेयरमैन वापडा को प्रोजेक्ट पर तामीराती पेशरफ्त बिलखसूस डाइवर्जन सिस्टम के टेस्ट रन से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। उन्हें बताया गया कि डाइवर्जन टनल और डाइवर्जन कैनाल मौसर तौर पर कामयाब रहे, जबकि कियामर बादशाह डैम के मजमूई तौर पर 13 साइट्स पर बरवक्त तामीराती काम जारी है। ये अमर काबिले जिक्र है कि वापडा कियामर बादशाह डैम साइट पर दरिया सिंध का रुख मोड़ने का अहम संगबील आइंदा हफ्ते उबूर कर लेगा, जिसके बाद दरिया सिंध मेन डैम साइट को बाईपास करते हुए डाइवर्जन सिस्टम से गुजरता हुआ 800 मीटर के बाद दोबारा अपनी कुदरती रास्ते से जा मिलेगा। कियामर बादशाह डैम प्रोजेक्ट चिलास शहर से 40 किलोमीटर जरिए जानिब दरिया सिंध पर तामीर किया जा रहा है। इस कसीरुल मकासिद मंसूबे की तकमील 2028 में शेड्यूल है। इसमें 8.1 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा किया जा सकेगा, जिससे 1.23 मिलियन एकड़ एराजी जेर काश्त आएगी, जबकि 4,500 मेगावाट टन बिजली पैदा होगी। इंशाल्लाह कियामर बादशाह डैम न सिर्फ इलाके की किस्मत में बल्कि पाकिस्तान की माशी हालत को और पाकिस्तान की तकदीर को बदलने के लिए एक अहम किरदार अदा करेगा। तो मैं तमाम जो लोकल यहाँ पे आमलीन हैं, मैं उनका खास तौर के ऊपर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो बहुत तनदेही से काम कर रहे हैं और जो दो हमारी यहाँ पे कंपनीज हैं जो इस प्रोजेक्ट पे हैं, पार चाइना और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन यानी FWO, वो नहायत अहसन तरीके से इस प्रोजेक्ट के ऊपर सारी एक्टिविटीज और कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं। तो सब लोग काबिले तहसीन है और आप इस चीज पे जरूर फख्र महसूस कीजिए कि आप पाकिस्तान की तामीरी नौ के लिए, पाकिस्तान की जर्री मुआशी और पन बिजली की सलाहियत बढ़ाने के लिए एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासिर हो।